अंबाला से बीजेपी के विधायक अनिल विज नाराज चल रहे हैं, ये कहा जा रहा है उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना प्रोफाइल बदल दिया है। उन्होंने अपने प्रोफाइल पर पूर्व गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री लिखा है। अनिल विज नई सरकार के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे थे, कल ही ये तस्वीरें सामने आई थी जब वो बैठक में से निकलकर सामने आ गए थे और उसके बाद जिस वक्त शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उस वक्त भी वो वहां पर मौजूद नहीं थे, जबकि वरिष्ठ नेता बीजेपी के उनको मौजूद रहना था लेकिन नाराजगी के चलते कहीं ना कहीं वो मौजूद नहीं रहे और अपने क्षेत्र में अपने घर के आसपास अपनी चीजों में लगे रहे। ये दिखाता है कि वो नाराज चल रहे हैं। पूर्व की सरकार में मनोहर लाल खट्टर की सरकार में वो जो है गृह मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, बहुत सीनियर मंत्री हैं, इसीलिए शायद ये नाराजगी थी, क्योंकि हमने देखा कि इस बार नायब सिंह सैनी के साथ सिर्फ दो बड़े चेहरे जिन्होंने शपथ ली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज की नाराजगी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत के बाद अनिल विज मान जाएंगे। किसी बात पर नाराज हुए थे वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। अब वो विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन बहुत बार नाराज हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराजगी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं, तो ठीक है अगर चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे, हमारे नए जो मुख्यमंत्री बने वो भी बात करेंगे, हमारे केंद्र के नेतृत्व के लोग भी बात करेंगे और मुझे लगता है कि मन उनका साफ है। हाँ निश्चित रूप से नाम है, मंत्रियों के ही शपथ होनी थी तो मंत्रियों के उसमें था लेकिन वो नहीं पहुंच पाए तो अगली बार करेंगे। अब चूंकि ये प्रदेश अध्यक्ष और साथ में मुख्यमंत्री भी हो गए हैं, हमारे यहाँ एक व्यक्ति को एक ही पद मिलता है तो मुझे लगता है निश्चित रूप से बहुत जल्दी नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। चुनाव से ठीक पहले हुए इस बदलाव के बाद लोकसभा चुनावों के साथ ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव की भी अटकलें लगनी तेज हो गई। लेकिन सूत्रों की माने तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव तय वक्त पर ही कराए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत तक कराए जाने हैं। बीजेपी की कोशिश हरियाणा में गैर जाट समुदाय के वोटरों को मजबूत संकेत देने की है। माना जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी का अलग चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से जाट समुदाय के वोटर कांग्रेस और जेजेपी के उम्मीदवारों में बढ़ जाएंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल पाएगा। यानी नायब सिंह सैनी बीजेपी की तरफ से अगले गैर जाट नेता साबित हो सकते हैं, इसलिए उनके नाम का ऐलान होते ही उनके घर पर जश्न शुरू हो गया। होली से पहले ही उनके घर पर रंग और गुलाल उड़ते हुए दिखने लगे। तो हरियाणा में इस वक्त आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने अकेले सरकार बना ली है। पूर्व में जेजेपी के समर्थन के साथ में सरकार बनी हुई थी, जेजेपी के जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये सब कुछ शुरू हुआ लोकसभा चुनाव को लेकर जब जेजेपी ये मांग कर रही थी कि उसको कम से कम एक सीट तो मिल जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं थी। दो सीटों की मांग थी लेकिन बीजेपी एक सीट देने को तैयार थी। और इसी के बीच में दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव से पहले हार मानी, जनता के रोष से बचने के लिए परिवर्तन किया गया है। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के नेता बीजेपी पर बड़ा हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही बीजेपी ने हार मान ली है, जनता के रोष से बचने के लिए परिवर्तन किया गया है। जनता में अपनी हार से पहले ही इन्होंने अपनी हार मान ली है, ये इस बात का। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा, हरियाणा का इतिहास ये दर्शाता है, जब जब चुनाव से कुछ महीने पहले हरियाणा में जनता के रोष से बचने के लिए कोई परिवर्तन किया गया है, सत्ता दल को उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा है और ज़्यादा जोर से लोगों ने उस सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम किया है, हरियाणा का इतिहास ये बताता है। देश भर में सीए लागू हो चुका है और सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। मुस्लिम संगठनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ याचिका दायर की गई और संभवतः आज इस मामले पर सुनवाई हो जाए। देश भर में सीए लागू, कुछ ऐसे शरणार्थी, कुछ पर्टिकुलर धर्म से जुड़े शरणार्थी, उनको भी अब नागरिकता मिल जाएगी सीए कानून के तहत, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले के खिलाफ याचिका दायर कर दी है।
एनआरसी हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं करने देंगे। जनता को कोई इंसान इंसानियत को इंसाफ ना मिले, एक काम हम नहीं करने देंगे। सब गलत भ्रम पैदा कर रहा है, मानुष ममता जी का बाद में विश्वास नहीं करता है। सबको मालूम है झूठा बात है, वो चुनाव में बुरी तरीके से तृणमूल हारने वाला है, इसलिए ये ड्यू टू हर फियर साइकोसिस शी इज सेइंग दिस टाइप ऑफ फॉल्स एंड फेक कैंपेन। ये शादी समारोह स्थल तिहाड़ जेल से करीब 12 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी के दुश्मनों की लिस्ट को देखते हुए पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि किसी भी तरह के हालात से वक्त रहते निपटा जा सके। इन सबके बीच लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी का एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में वो अपने हाथों पर संदीप उर्फ काला जठेड़ी के नाम की मेहंदी रचाती दिखाई दी। ये वीडियो शादी के एक दिन पहले का बताया गया और इस वीडियो में अनुराधा चौधरी कुर्सी पर बैठकर हाथों और पैरों में मेहंदी लगवाती नजर आईं। जो वीडियो सामने आया उसमें 3 से 4 लोग उसे मेहंदी लगाते दिखाई दिए। इस दौरान वहां उसके परिवार के कुछ लोग भी खड़े रहे। जिस जगह पर शादी से पहले अनुराधा चौधरी बैठकर मेहंदी लगवाती रही उस जगह को अच्छी तरह से सजाया गया था। वहां सजावट के साथ पीले रंग के फूलों से मेहंदी भी लिखा नजर आया। काफी देर तक अनुराधा चौधरी को मेहंदी लगाने की रस्म चलती रही। मेहंदी लगवाने के बाद की एक तस्वीर भी सामने आई, उसमें अनुराधा चौधरी के एक हाथ पर मेहंदी से संदीप लिखा दिखाई दिया जबकि दूसरे हाथ पर अनुराधा चौधरी लिखा नजर आया। काला जठेड़ी का असली नाम संदीप है और इसीलिए रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर अनुराधा चौधरी ने अपने हाथों पर संदीप के नाम की मेहंदी रचाई। अगले दिन कड़ी सुरक्षा के बीच काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी ने शादी कर दी। जानकारी के मुताबिक गृह प्रवेश की रस्मों के लिए एक बार फिर काला जठेड़ी को हरियाणा के सोनीपत के जठेड़ी गाँव ले जाया जाएगा। और जानकारी के मुताबिक काला जठेड़ी से अनुराधा चौधरी की ये दूसरी शादी है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की पहली मुलाकात मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई थी। उस दौरान दोनों पुलिस से बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर छिपते फिर रहे थे और उसी दौरान उनकी दोस्ती हुई। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि बाद में काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी के बीच प्यार हो गया। हालांकि दोनों को पुलिस ने जुलाई 2021 में एक साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि दोनों 9 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि काला जठेड़ी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है और उस पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हत्या और जबरन वसूली समेत एक दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। गैंगस्टर काला जठेड़ी से शादी करने वाली अनुराधा चौधरी का नाम भी अपराध की दुनिया में कुछ कम नहीं। जानकारी के मुताबिक अनुराधा चौधरी राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसने दीपक मिंज नाम के एक आदमी से शादी कर ली थी। दीपक मिंज की पत्नी के नाते ही अनुराधा चौधरी को मैडम मिंज का नाम मिला। शादी के बाद अनुराधा अपने पति के साथ मिलकर शेयर मार्केट में पैसे लगाने लगी। उसी दौरान उस पर करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप लगे। बाद में उसका नाम कई अपराधों से जुड़ा। दावा किया गया कि इसी वजह से उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि उस